Welcome to Abhipedia guys, myself Dr. Dharmendra and today I am going to discuss another important topic from current affair series that is history of calendars. तो अभी recently आपने देखा गया इस साल का end होने वाला है तो एटलीस्ट कैलेंडर के ऊपर मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं क्योंकि यूपीएससी ने भी इससे पहले इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है. नाउ इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस इजिप्टियन कैलेंडर, देन रोमन कैलेंडर्स, जूलियस सीजर कैलेंडर एंड देन ग्रेगोरियन कैलेंडर एंड देन विक्रम ईरा एंड दिस साका ईरा, राइट. तो एक हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी ट्रेस करते हैं, उतनी ही ट्रेस करेंगे जितनी हमें जरूरत है, उससे ज़्यादा मैं उस कंसेप्ट के अंदर नहीं जाऊँगा, राइट. सो ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें हमें समझनी है, वन इज सोलर ईयर, अनदर वन इज ल्यूनर ईयर. ये दो हमने समझने हैं बस. देखो सोलर ईयर इज बेस्ड ऑन कि अर्थ एक चक्कर कितने में लगाती है टाइम के ऊपर, राइट. सो इसके अराउंड 365 डेज है, राइट. ठीक है. नाउ ल्यूनर ईयर्स, ल्यूनर ईयर के अंदर देखो बहुत सारे कैलेंडर सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड, जैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन सोलर ईयर, तो सोलर ईयर के हिसाब से चलता है, ठीक है. अगर इसको और भी करना है तो इट इज अराउंड वी कैन से 5 आवर, ठीक है, 365 डेज एंड 5 आवर, राइट. चलो ओके, दिख नहीं रहा, ठीक है. तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सोलर ईयर इज अराउंड 365 डेज, 5 आवर एंड 48 मिनट एंड 48 मिनट, अगर और लिखना है तो 48 46 सेकेंड, तो ये एक सोलर ईयर होता है, राइट. नाउ द सेकेंड थिंग इज के ल्यूनर ईयर, अब इसके ऊपर भी बेस्ड कैलेंडर्स है, ठीक है. द आइडिया इज के पहले हम ये समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. देखो टोटल डेज का डिफरेंस है, सोलर ईयर मतलब जब अर्थ एक चक्कर लगाती है सन का, दैट इज अ सोलर ईयर, राइट. ल्यूनर ईयर जो मून के फेसेस होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं अर्थ सन, तो मून इसके बीच में घूमता है, ठीक है. अब उसके बेस के ऊपर जो एक साल बनता है दैट इज लूनर ईयर, राइट. नाउ लूनर ईयर के अंदर अगर मैं आपको बताऊं द आइडिया इज कि एक साल इसका होता है 354 डेज का, इट मींस कि इसके अंदर देखो ऑन एवरेज 365 डेज, लूनर ईयर के अंदर 354 डेज, तो जो 365 माइनस 354 करूं मैं 11 डेज का फर्क आ जाएगा एक साल के अंदर. तो अगर आप एक लूनर ईयर के ऊपर बेस्ड ऊपर आप एक कैलेंडर बनाते हो तो उसके अंदर 11 डेज का एक साल के एंड के अंदर फर्क आ जाएगा, और उसके बाद इट मींस कि हर साल इसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो दिस इज अ वी कैन से ड्रॉबैक ऑफ लूनर ईयर. तो इसलिए जो वर्ल्ड के मैक्सिमम है द कैलेंडर्स दे आर बेस्ड ऑन सोलर ईयर नॉट ऑन लूनर ईयर, राइट. जैसे अभी एक अगर चाइना हर 3 साल बाद ऐड करता है एक लीप मंथ, राइट, क्योंकि एक साल के अंदर 11 दिन का फर्क पड़ गया, ठीक है. चाइना के अंदर भी लूनर ईयर की बेस यूज होता है कैलेंडर, राइट. तो उसके अंदर हर बार एक हमें मंथ ऐड करना पड़ता है, क्यों, एक साल के अंदर 11 दिन, 3 साल के अंदर बोलूं मैं तो ये अराउंड 33 डेज हो जाते हैं, वो एक मंथ के इक्वल हो जाता. तो यहाँ पे चाइना के अंदर जो एक लूनर बेस के ऊपर जो फार्मर्स है बेसिकली दे ऐड 1 मंथ एक्स्ट्रा, राइट. सो दिस इज अ वी कैन से व्हाई वी प्रेफर द सोलर ईयर, उसके ऊपर मैंने बता दिया क्योंकि वो पूरा साइकिल अकॉर्डिंग टू चलता है. बट ल्यूनर ईयर जब यूज करते हो देन यू हैव टू रीएडजस्ट दैट कैलेंडर आफ्टर एवरी 3 ईयर, राइट. ओके, सो नेक्स्ट वन के सबसे पहले आप देखते हैं कैलेंडर. देखो इजिप्टियन कैलेंडर आया, इट वाज अ बेस्ड ऑन सोलर कैलेंडर, ठीक है, सोलर के ऊपर बेस्ड था, 365 डेज, 12 मंथ, और हर मंथ के अंदर 3 वीक होते थे, दैट इज हर मंथ के अंदर 3 वीक होंगे, और वो वीक अगर मैं बोलूं इसका थोड़ा सा इजिप्टियन कैलेंडर का देख लेते हैं, ठीक है. हर वीक 10 दिन का, एक मंथ के अंदर 3 वीक, एवरी वीक ऑफ 10 डेज, ठीक है, राइट. अब टोटल मंथ कितने हैं, 12, हर मंथ के अंदर 30 डेज, टोटल बने 360, सोलर ईयर अराउंड 365 डेज, तो 360 डेज का तो उसने बता दिया भाई ये एक साल के अंदर रहेंगे, तो दोनों का डिफरेंस इज 5 डेज, तो हर साल बाद 5 दिन बच जाते थे उसको,
उसके अंदर फेस्टिवल वगैरह ये मनाते थे, चलता था काम, ठीक है। ओके नाउ फिर रोमन कैलेंडर दैट इज बेस्ड ऑन लूनर, लूनर के अंदर वैसे ही बहुत सारे डिफरेंस हैं बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द फेसेस ऑफ मून, और ऐसा नहीं है कि पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसे ही मून के फेसेस आते हैं, राइट। ये एक डिस्टेंस से और दूसरे डिस्टेंस से डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे इस्लाम के अंदर अरेबियन कंट्रीज, राइट, जो वेस्ट एशिया के अंदर कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे आप लूनर कैलेंडर यूज करते हो। अब उनको जैसे स्पेशली इन इस्लाम वहाँ पे उनको जो फेस्टिवल है उनको डिक्लेयर करना ऑल अराउंड द वर्ल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, क्यों, क्योंकि वो एक जगह पे लूनर फेस के अलग फेसेस चलते हैं और डिफरेंस आ जाता है, तो वो अभी उनका इशू रहता है कि क्या हम मक्का के जो लूनर फेसेस हैं उसी को लें, उसके बेस के ऊपर हम हॉलीडे डिक्लेयर करें, ये उनका इशू रहता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद द ड्रॉबैक्स ऑफ लूनर ईयर, राइट। तो रोमन कैलेंडर भी लूनर ईयर के ऊपर बेस था। जूलियन जो सीजर था उसने बेसिकली वो एक पार्टी के अंदर गया जहां पे उसको पता चला कि इजिप्टियन कैलेंडर जो सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड है दैट इज वेरी मच वी कैन से बेटर एज कंपेयर टू रोमन, तो उसने सजेस्ट किया कि हम इसको चेंज करें। उसने भी जो अपना एक कैलेंडर बनाया उसको किसके ऊपर बेस्ड रखा, सोलर ईयर के ऊपर बेस्ड, बट उसने एक गलती कर दी कि सोलर ईयर को थोड़ा सा उसने अपना जो कैलेंडर था उसका, राइट, इज इट विजिबल, ओके नाउ कैलेंडर, उसका जो कैलेंडर था जूलियस सीजर का दैट वाज लिटिल बिट लॉन्ग एज कंपेयर टू सोलर ईयर, सोलर ईयर से थोड़ा सा लंबा था। इट मींस के हर साल कुछ एक्स्ट्रा दिन इसके अंदर आते जाएंगे, हर साल कुछ एक्स्ट्रा दिन आते जाएंगे, है ना, एंड बाय वी कैन से 16, ओके। उसके बाद जो ग्रेगरी 13, पोप ग्रेगरी 13 था, उसने कहा कि यार ये भी उसके बेस के ऊपर नहीं है, एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा सोलर ईयर को, या तो वो ऐसे ही मैच करे, लेकिन ये भी थोड़ा सा लंबा है, हर साल दिन टाइम मिनट के हिसाब से उसके ऐड होते गए होते गए, एंड बाय वी कैन से 1852 10 दिन अराउंड ऐड हो गए सोलर ईयर से, ठीक है। तो इसमें इट मीन्स दिस वॉज लेड टू मिस मैच बिटवीन सोलर ईयर एंड जूलियन सीजर्स कैलेंडर, क्यों, क्योंकि इसके थोड़ा सा लंबा कर दिया इसने अपना जो एक साल का कैलेंडर था एज कंपेयर टू सोलर ईयर, तो 10 दिन अराउंड हो गए, तो उसने फिर फ्रॉम अक्टूबर 5 to 14 वो उसको ड्रॉप करके जो नया कैलेंडर आया दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो वो लास्ट के अंदर हमने अडॉप्ट किया। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर ही है जो हम आज यूज करते हैं, राइट, जो आप देखते हो ना फर्स्ट अप्रैल अप्रैल फूल बनाते हो दैट इज बेस्ड ऑन ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन सोलर, यस, राइट। अब थोड़ा सा ट्रेस करते हैं इंडिया के अंदर, एक तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर दैट इज विक्रम ईरा कैलेंडर 57 BC, राइट, जो स्लाइड के ऊपर आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टार्ट किसने किया था, किंग विक्रमादित्य, और साका रूलर को हो रहा था इसमें, ठीक है। दूसरा हमारा है दैट इज इंडियन नेशनल कैलेंडर, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पूछ लेता है जब जनरल स्टेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि इंडिया का नेशनल कैलेंडर कौन सा है, राइट, दूसरा क्वेश्चन दे कैन आस्क के भाई उसके मंथ इन जो देसी कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 79 CE, राइट, अडॉप्टड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि वो सीरियल पूछता है कि इंडियन फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ था, इंडियन नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, उसके बाद वी कैन से नेशनल कैलेंडर, तो उनका आपको पूरा सीरियल क्रोनोलॉजी आनी चाहिए, राइट। सेकेंड इज के स्टार्ट कब होता है, बाय 21 or 22 मार्च, नाउ इट इज बेस्ड ऑन लूनी सोलर, दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। स्टार्टेड बाय कनिष्का, कुशल रूलर था, बाय डिफीटिंग साका किंग ऑफ मालवा, इसके अंदर 365 डेज है एंड 12 मंथ है, तो ये पिक्चर है एक मैंने आपको दिखाई है जो इंडियन नेशनल कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर को कंपेयर कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने बेसिकली याद करना है कि मंथ कहाँ से, 21st, 22nd मार्च, तो आपको अंदर एग्जाम के अंदर वो साका ये इलाका जो साका कैलेंडर है उसके मंथ बता देगा और ये बता देगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर कहाँ पे आते हैं। सो एट द एंड सबसे पहले इजिप्टियन कैलेंडर, देन रोमन कैलेंडर आया, रोमन कैलेंडर वाज बेस्ड ऑन वी कैन से लूनार सोलर ईयर, राइट। तो उसके बाद जूलियन सीजर ने सोचा कि इसको चेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इजिप्टियन कैलेंडर, लेकिन जूलियन सीजर का कैलेंडर थोड़ा सा लेंथी था, तो उसके हिसाब से बहुत ही सालों में अंदर ये डेज ऐड होते गए, और उसके बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर आया, तो उसने 10 या 11 दिन ड्रॉप कर दिए और ग्रेगोरियन कैलेंडर आ गया जिसको हम आजकल यूज कर रहे हैं। उसके बाद इंडिया का मैंने डिस्कस किया दैट विक्रम ईरा एंड देन दिस वन
साका है ना, जो हमारा नेशनल कैलेंडर है। तो इसके ऊपर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो मैंने डिस्कस कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज। थैंक यू वेरी मच।